एट एंगल कॉर्न कॉर्पोरेशन से जॉन वेज। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, और आज हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे। रॉबर्ट किसी खास नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में बातें नहीं करेंगे, वो पूरे नेटवर्क मार्केटिंग तंत्र या संगठन के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। वो हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 8 छुपे हुए फायदे बताने जा रहे हैं, और ये भी कि किसी आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए। हाय रॉबर्ट, हमारे साथ चर्चा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपके साथ चर्चा करके मुझे भी खुशी होगी। फायदे नंबर 6 यानी नेटवर्क के फायदे के बारे में बताएं। ओके, जो लोग बिजनेस में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए शायद ये सबसे बड़ा फायदा है। इसका कारण है कि ज्यादातर लोगों को नेटवर्क की पैसे कमाने की ताकत का अंदाजा नहीं होता। मेटकॉफ के नियमों का कहना है कि नेटवर्क की ताकत नेटवर्क में शामिल लोगों के स्क्वायर के बराबर होती है। मैं इसे विस्तार में समझाना चाहूंगा। सालों पहले जब मैं जेरोक्स फैक्स मशीनें बेचा करता था, तब फैक्स मशीन आज की तरह लोकप्रिय नहीं थी। उस समय इनके बारे में कोई नहीं जानता था। मैं जिस आदमी के पास फैक्स मशीनें बेचने जाता था, वो मुझसे यही पूछता था कि ये और किस किस के पास है, और मुझे कहना पड़ता था हम इसे और लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और फैक्स मशीन तब तक किसी काम की नहीं थी जब तक किसी और के पास दूसरी फैक्स मशीन ना हो, और यही नेटवर्क की शक्ति है। क्योंकि अगर नेटवर्क में एक ही व्यक्ति है तो उसकी शक्ति भी एक ही है, पर अगर नेटवर्क में दो लोग आ जाते हैं तो उसकी शक्ति बढ़कर 4 हो जाती है। अगर 3 लोग जुड़ जाते हैं तो इसका आर्थिक मूल्य बढ़कर 9 हो जाता है, और अगर 4 लोग जुड़ जाते हैं तो इसका आर्थिक मूल्य बढ़कर 16 हो जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ एक बढ़िया बात यह है कि मेटकॉफ के नियम के कारण ही वो बेहद तेजी से बढ़ती है। आप अकेले कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको अपनी मेहनत का परिणाम घंटों के हिसाब से मिलता है, जबकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में ये मान लेते हैं कि 5 साल की मेहनत के बाद आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं तो आपकी आर्थिक शक्ति 10² यानी 10×10 बराबर 100 हो जाती है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग बेहद अमीर बन जाते हैं, और लोगों को लगता है कि वो रातों रात अमीर बन गए हैं, पर वो जो कर रहे हैं वो बहुत ही आसान है। हर दिन वो अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, उनके नीचे 10 लोग हैं, उनमें से हर आदमी के नीचे 10 लोग हैं, इस तरह उनके नीचे कुल 110 लोग हो जाते हैं। इसी छलांग के कारण नेटवर्क शब्द, नेटवर्क मार्केटिंग शब्द इतना शक्तिशाली शब्द बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मेटकॉफ के नियम का पालन करता है। हर नए आदमी को जोड़ने से आपकी आर्थिक शक्ति लीनियर नहीं बल्कि क्वांटम तरीके से बढ़ती है, और इसलिए नेटवर्क का मूल्य भी तेजी से बढ़ता है। आप हमेशा ओल्ड इकोनॉमी और न्यू इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, इसका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से क्या संबंध है? पुरानी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था यानी औद्योगिक युग में गोल्डन रूल था, कड़ी मेहनत करो, पर क्योंकि आप अकेले ही कड़ी मेहनत करते थे इसलिए पुरानी अर्थव्यवस्था में आपकी आर्थिक शक्ति 1 होती थी। नई अर्थव्यवस्था में आप नेटवर्क के माध्यम से मेहनत करते हैं इसलिए आपकी आर्थिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आज के इन्फॉर्मेशन एज में अमीर बनना ज्यादा आसान है। उदाहरण के तौर पर हेनरी फोर्ड दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे, पर इसके लिए उन्हें काफी पैसा लगाना पड़ा था। बहुत से स्मार्ट लोगों की मदद लेनी पड़ी थी और फैक्ट्रियां लगानी पड़ी थी, और आप जानते हैं कि बिजनेस में कितनी तरह की चीजों की जरूरत होती है। नई अर्थव्यवस्था में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप कम पैसे लगाकर ज्यादा कमा सकते हैं। अगर आपको इसका उदाहरण देखना है तो आप स्टैंडर्ड ऑयल के संस्थापक जॉन टी रॉकफेलर को देखें, जिन्हें बिलियनेयर बनने में लगभग 15 साल लगे। 80 के दशक में बिल गेट्स को 10 साल लगे, और 1985-86 में माइकल डेल को बिलियनेयर बनने में सिर्फ 5 साल लगे। जो लोग नौकरी ढूंढते हैं उनके पास कोई लिवरेज नहीं होता, क्योंकि वो उसी पुरानी अर्थव्यवस्था के विचार में फंसे रहते हैं, कड़ी मेहनत करो। नई अर्थव्यवस्था के लोग यानी वो लोग जो नेटवर्क की शक्ति को समझते हैं और नेटवर्क से जुड़ते हैं, वो लोग ज्यादा तेजी से अमीर बन सकते हैं और आर्थिक रूप से ज्यादा आजाद हो सकते हैं। ये नई अर्थव्यवस्था की शक्ति है। हम नई अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं, हम एक नए यथार्थ में रह रहे हैं, पर फिर भी डर के कारण कुछ लोग आज भी औद्योगिक युग के विचारों में फंसे हुए हैं।
जब कंप्यूटर आए तो नेटवर्क मार्केटिंग का महत्व और बढ़ गया। दूसरे शब्दों में ज्यादा से ज्यादा लोग नेटवर्क से जुड़ सके। तो अगर आप आज भी ये मानते हैं कि कड़ी मेहनत करो तो आप अब भी पुरानी अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं और दुर्भाग्य से आप पीछे रह गए हैं। आप अपनी कर्मचारी वाली मानसिकता को छोड़कर एक बिजनेस मालिक की तरह सोचना शुरू कर दें, क्योंकि नई अर्थव्यवस्था में सोचने का यही तरीका है।